गुड इवनिंग बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। कुछ बेसिक बातें हैं जो समझ लेनी जरूरी है। स्पॉटिंग एरर्स जनरली आपकी ग्रामर की नॉलेज को टेस्ट करता है कि सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में है या नहीं। क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का रहता है कि क्वेश्चंस को हम चार सेक्शंस में तोड़ देते हैं। मान लिया कोई स्टेटमेंट है तो इसको हमने चार सेक्शंस में, और बेसिकली तीन सेक्शंस में तोड़ते हैं। ऑप्शन ये इधर वाला, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही इज अ रिच मैन, ही इज ओइंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन मुंबई। तो इट इज ब्रोकन इन थ्री पार्ट्स। पहले पार्ट में ही इज अ रिच मैन, दूसरा पार्ट है ही इज ओइंग, और तीसरा पार्ट है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन मुंबई, और डी पार्ट है नो एरर। अगर ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है तो हमें ऑप्शन डी टिक करना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर ए में है तो ऑप्शन ए आंसर होगा, बी में है तो ऑप्शन बी आंसर होगा, और सी में है तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अब हम थोड़ी सी जनरल बेसिक बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखिए, इंग्लिश से पहली चीज तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने कहावत सुनी होगी, लैंग्वेज इज द व्हीकल बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज। इट इज अ व्हीकल ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ये थॉट्स और आइडियाज का व्हीकल है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मेन इसमें क्या है, मेन आपका सेंस है, मेन आपका भाव है कि क्या भाव आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप सेंटेंस बनाते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए इसका भाव क्या है, और इसके अलावा सबसे कुछ मैंने बताया कि ग्रामर के भी कुछ सूत्र हैं जो कि आपको जान लेना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने इस टेंस में जो गलती है सबसे पहले मैं बता देता हूं वो क्या है। ही इज अ रिच मैन, ही इज ओइंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन मुंबई। तो इसमें गलती जो है वो पार्ट बी में है। यहां पर ही इज ओनिंग की जगह आना चाहिए ही ओन्स अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन मुंबई, तब ये सेंटेंस करेक्ट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बी ऑप्शन में गलती है तो क्यों है। अब इसके बैकग्राउंड में जो भूमिका चलती है वो आपके ग्रामर की नॉलेज की चलती है, और जिस पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूंगा, जैसे वर्ब्स, राइट, और वर्ब्स में हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन यानी टेंसेस, और उस टेंसेस में भी इसमें जो जिक्र हुआ है वो हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं और कहां कहां नहीं करते यह जान लेना आवश्यक है। हिंदी के हिसाब से अगर आप इंग्लिश के ट्रांसलेशंस सीखे हैं तो वो पूरी तरह से गलत हैं। इंग्लिश में जो टेंसेस हैं वो आपके भाव के हिसाब से चलते हैं, वो कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैंने दो प्रयोग आपको कराए थे, एक तो वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर हो, दूसरा प्रयोग था ट्रुथ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहां जा रहे हो, मंदिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल, और तीसरा था नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य में आपको कोई बात करनी है तो उसको भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब निकट भविष्य में जैसे बात करनी है, मैं शाम को प्रधानमंत्री से मिलूंगा, या फिर मैं कल एक प्रधानमंत्री से मिलूंगा, तो इसका जो इंग्लिश बनेगी वो होगी आई एम मीटिंग मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। इसकी हिंदी ये होगी, ये नहीं होगी कि मैं प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं, इसकी हिंदी होगी कि मैं कल प्रधानमंत्री से मिलूंगा, क्योंकि ये जो घटना है ये जो नियर फ्यूचर में घटने वाली है, तो नियर फ्यूचर के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि हिंदी के हिसाब से इंग्लिश मत सीखना, कंडीशंस के हिसाब से इंग्लिश सीखना। और मैं इस टेंस को काफी महत्व देता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज की मैंने तीन कंडीशंस आपको बताई, लेकिन मैंने पांच कंडीशन ऐसी भी आपको बताई थी जब मैंने ग्रामर की क्लास ली कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हम इस टेंस का प्रयोग नहीं करते। तो देखो,
एक है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वेयर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड. पहली थी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. अभी वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है? जो तुम्हारे सेंस, वर्ब ऑफ सेंसेशन, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो सी, हियर, स्मेल, नोटिस एक्सेट्रा, ये कैसी वर्ब हैं? ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है. इनके साथ कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे. अगर करेंगे तो भाव बदल जाएगा. जैसे कि मैं एक पक्षी को देख रहा हूं, आई एम सींग अ बर्ड. अगर ये इंग्लिश आप इसकी बनाते हैं तो ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट सेंटेंस होगा. क्यों? क्योंकि सी एक ऐसी वर्ब है जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ हम कभी इस टेंस का प्रयोग नहीं करते. तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए? आई सी अ बर्ड. सिमिलरली अगर आप जबरदस्ती सी का प्रयोग करेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि आई एम सींग द प्रेसिडेंट एट 3 PM. इसका मतलब होगा कि मैं 3 बजे प्रेसिडेंट से मिलूंगा. तो सी का मतलब देखना नहीं रहा, सी का मतलब क्या हो गया? मीटिंग, यानी कि मिलना. तो अगर जबरदस्ती करेंगे सी के, हियर के, व्यू के, स्मेल, नोटिस के साथ, तो इसका भाव बदल जाएगा. यहां सी का मतलब देखना ना हो के सी का मतलब क्या है? मिलना. दूसरा मैं और देखिए पॉइंट एक देता हूं. जैसे हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन सुनने के सेंस में इसका प्रयोग आप कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, और जबरदस्ती करेंगे तो फिर से इसका भाव बदल जाएगा. जैसे कि द जज इज हियरिंग द केस टुमारो. जज इस केस की सुनवाई कल करेगा. तो यहां जज केस की कभी सुनवाई नहीं करता. जज क्या करता है? केस का ट्रायल कंडक्ट करता है. जज कोई भगवान नहीं है जो कि आपकी सुने. जज क्या करता है? वो एविडेंसेस के हिसाब से फैसला करता है. ट्रायल चलाया जाता है. अगर आप दोष सिद्ध हो जाता है, दोषी पाए जाते हैं, आपको सजा मिलती है, और वो भी प्रोविजंस के हिसाब से. तो जज क्या करता है? कंडक्टिंग ट्रायल. तो यहां पर हियर का मतलब सुनना नहीं है, हियर का मतलब है कंडक्टिंग ट्रायल. यानी कि द जज इज कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ दिस केस टुमारो. तो यहां ध्यान रखना, मोटी मोटी बात आप हिंदी में ये समझ लीजिए कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते. अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये इतनी कहानी बताने का मतलब क्या था? तो मैंने कहा 5 ऐसे टाइप मैंने आपको बताए थे जब ग्रामर पढ़ाई थी, कि ऐसी वर्ब जिनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते. उसमें दूसरा जो पार्ट था वो था वर्ब्स ऑफ पजेशन. ऐसी वर्ब्स जो तुम्हारी मालकियत को शो करें, पजेशन को शो करें, उनके साथ भी हम कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते. जैसे कि हैव, ओन, बिलोंग, पजेसेस एक्सेट्रा, इन वर्ब के साथ भी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करना. अगर करेंगे तो फिर से सेंटेंस का भाव बदल जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. राइट अब जैसे कि हैव, ओन, बिलोंग, तो ओन का तो यहां प्रयोग है ही. अब मैं थोड़ा हैव पे बात कर लेता हूं. जैसे कि आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट तो हैव का मतलब होता है रखना. मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार. मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस. तो हैव के बारे में मैंने बताया, हैव का मतलब होता है रखना, लेकिन रखने के सेंस में
पजेशन के केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप जबरदस्ती इसको करेंगे तो भाव बदल जाएगा। यहां पर हैव का मतलब है एक्ट ऑफ ईटिंग, यानी कि खाना। आई होप आई एम क्लियर। तो अब तक की मेरी जितनी भी मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई, उसका सार ये निकाल लीजिए कि हम वर्ब ऑफ पजेशन के साथ कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं करते, और अगर करेंगे तो उसका भाव बदल जाएगा। राइट। तो अब आप देखिए हंस, आप इतना अगर आपने समझ लिया है ना, तो अभी हम इस सेंटेंस पे चलते हैं। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? ओन की। और ओन क्या है? वर्ब ऑफ पजेशन। और वर्ब ऑफ पजेशन के साथ कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसीलिए गलती सेक्शन बी में है। और करेक्ट क्या होना चाहिए? ही ओन्स अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन मुंबई। मैं समझता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस मैंने लिया और बताया कि स्पॉटिंग एरर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ग्रामर के और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे ये था वर्ब। वर्ब का सेक्शन कौन सा था? टेंस। अब आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लेने की कोशिश करूंगा। राम गोज टू द बेड एट 10 PM डेली। भाव क्या है कि भाई डेली राम रात को 10 बजे सोने जाता है। राइट। अब आप देखिए इसमें गलती कहां है? ये आर्टिकल की मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है कि यहां पर द बेड नहीं आएगा, बेड आएगा। और क्यों आएगा? अब इसके आगे की कहानी आपको पीछे की समझनी पड़ेगी। देखिए किसी भी कार्य को करने के हमारे दो पर्पज होते हैं, एक तो प्राइमरी पर्पज और दूसरा होता है सेकेंडरी पर्पज। अगर किसी कार्य को करने का हमारा प्राइमरी पर्पज है तो हम उसके आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, और किसी भी काम को करने का अगर हमारा सेकेंडरी पर्पज है तो हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, टेंपल, जेल, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, बेड एक्सेट्रा। अगर इन जगहों पर जाना हमारा प्राइमरी पर्पज है, प्राथमिक उद्देश्य है, तो हम इनसे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हॉस्पिटल जाने का प्राइमरी पर्पज किसका है? हॉस्पिटल या तो डॉक्टर्स जाते हैं या पेशेंट जाते हैं, तो आप डॉक्टर्स या पेशेंट की तरह हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि वी गो टू हॉस्पिटल एज डॉक्टर्स, क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइमरी पर्पज है, इसके आगे कोई भी द नहीं लगा। सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट है। अब दूसरी चीज समझिए, हॉस्पिटल गई ले, अगर आपकी टांग टूट गई है, आप प्लास्टर कराने या फिर टांग को दिखाने हॉस्पिटल गए हैं, या आप बीमार हैं, खुद को दिखाने हॉस्पिटल गए हैं, तो आप कहेंगे आई गो टू हॉस्पिटल।
लेकिन वहीं कभी कभी ये इंडिया है संवेदनावश, कोई आपका रिलेटिव हॉस्पिटल में भर्ती है, आप उसको देखने गए हैं, हालांकि हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने का काम डॉक्टर का ही है, लेकिन इंडिया में संवेदना हमारे अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि कोई रिलेटिव के कुछ होता है तो हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं उसको सांत्वना देने। तो हॉस्पिटल में अगर आप किसी मित्र को देखने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आई गो टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो आई गो टू द हॉस्पिटल आप कब लगाएंगे, जब हॉस्पिटल जाने का सेकेंडरी पर्पज है। मार्केट में अगर आपको परचेजिंग करने जानी है तो आई गो टू मार्केट, लेकिन आप वैसे ही तफड़ी लेने जा रहे हैं तो आई गो टू द मार्केट। मंदिर में अगर आपको पाठ पूजा करने जाना है तो आप कहेंगे आई गो टू टेम्पल, लेकिन अगर आप मंदिर में अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं, आपने एक गाना सुना होगा, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो भगवान से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल प्रेमी से अपने मिलने आई है। तो मंदिर में अगर इस तरह की हरकत करने जा रहे हैं या फिर जूते चुराने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे गो टू द टेम्पल, क्योंकि आपका पूजा में कोई भाव नहीं है। तो मंदिर जाने का अगर प्राथमिक उद्देश्य है तो आप दान नहीं लगाएंगे मंदिर के आगे, और अगर प्राथमिक उद्देश्य नहीं है तो दा लगाएंगे। जेल जाने के भी दो तरीके हो सकते हैं, आपने कोई कांड किया, आपको जेल में उठा के बंद किया जा रहा है तो आई गो टू जेल, बिकॉज आपने कुछ मर्डर किया है या फिर कुछ अपराध किया है। लेकिन वहीं अगर आप जेल में नैतिकता पर भाषण देने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू द जेल टू गिव लेक्चर्स ऑन मॉरलिटी, क्यों आपका प्राइमरी पर्पज है वो उनको नैतिकता पर भाषण देने जाना है, आपने कोई अपराध नहीं किया है। अपराधी ही जेल नहीं जाते, क्योंकि हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी में काम करते हैं, सुधारात्मक विधि में लौकी में काम करते हैं, तो कैदियों को भी सोसाइटी में वापस लाने का प्रयास किया जाता है, उनको नैतिकता पर भाषण दिए जाते हैं, बहुत से एनजीओज ऐसा काम कर रहे हैं। तो जेल में अगर आपका जाने का प्राथमिक उद्देश्य है तो आप उसके आगे दा नहीं लगाएंगे, नैतिकता पर भाषण देने जा रहे हैं तो आप उसके आगे दा लगाएंगे। दूसरा, अब हम बेड पे आते हैं, अब ये बेड पे सोने ही तो जा रहा है, बेड पे सोने ही जाता है व्यक्ति, सोना ही बेड पर प्राथमिक पर्पस है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, राम गोज टू बेड एट 10 PM डेली, यहां पर इसके आगे दा नहीं आएगा। ये आपको शायद एनडीए में भी पूछा जा चुका है 2017-18 में, सेम सेंटेंस है, यहां पर द बेड नहीं आएगा, बेड आएगा। और ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी क्यों आएगा, आर्टिकल की और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया फादर और द फादर में क्या अंतर है, इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या अंतर है, राइट। तो देखें, इंग्लिश का मतलब तो है अंग्रेजी भाषा, लेकिन अगर इसके आगे आपने द लगा दिया तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी भाषा, लेकिन द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी लोग, जैसे कि द फ्रेंच एंड द इंग्लिश हैव फॉट वेरियस वॉर्स। इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, भाषा, लेकिन द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कई युद्ध लड़े गए, तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों, इंग्लिश पीपल। द फ्रेंसिस का मतलब, द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोगों। ऐसे ही मैंने पिछले सेशन में एक अंतर बताया था फादर और द फादर में अंतर क्या है, फादर का मतलब होता है पिता, और पिता क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी पिता बन सकता है, आप भी भविष्य में पिता बनेंगे, और द फादर का मतलब क्या है, पितृत्व, और पितृत्व का मतलब होता है पिता का प्यार, लव ऑफ फादर। तो फादर क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को आप गिन सकते हैं, लेकिन द फादर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, जो आपकी भावनाओं में ही निहित रहता है, जिसको आप नाप ना सकें, तोल ना सकें, गिन ना सकें, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पितृत्व का मतलब पिता का प्यार, मदर का मतलब मम्मी, लेकिन द मदर का मतलब मातृत्व, मम्मी का प्यार। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, अगर कॉमन नाउन के आगे एक आर्टिकल आ जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग देता है। तो दा के बहुत सारे प्रयोग हैं। आज के सेशन में मेरा इतना ही, मेरा बस कहने का उद्देश्य यही है कि लैंग्वेज इज द व्हीकल बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज, और इंग्लिश एक बहुत पीडेंटिक लैंग्वेज है जिसमें द शॉर्टर इज द बेटर माना जाता है। जितना आप अपनी संक्षेप में बात कहेंगे उतना अच्छा माना जाता है,
फालतू के एडजेक्टिव एडवर्ब्स इसमें आपको नहीं लगाने हैं. बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, अपने भाव को डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए और सेंटेंस को पढ़िए, देखिए क्या भाव आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वोकैबुलरी में उसी के हिसाब से शब्द निकालिए. मैं समझता हूँ कि स्पॉटिंग द एरर्स का ये सेशन आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक वीडियोस के पहुंचते रहें. उसके अलावा जितना हो सके इस वीडियो को विस्तृत करें, शेयर करें. बहुत बहुत धन्यवाद. अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी NDCA कोचिंग ने. आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर. चुने राह विजेता बनने की.